और यह है पंच केदारों में से एक केदार है जिसको द्वितीय केदार बोलते हैं। तो यहाँ पर भगवान का नाभि और हृदय इन दोनों के दर्शन होते हैं। बहुत ज्यादा थक गए हैं, सांस मिल रही है, पानी अभी पिया नहीं है, विकास भाई ने कुछ खिलाया नहीं है, तो बस यही सब दिक्कतें हैं। ट्रैक बहुत ज्यादा स्लिपरी है, घोड़े खच्चर नहीं है, तो एक अच्छी चीज है। राम राम जी, आज है 17 नवंबर 2023 और सुबह के 5:30 हुई है। वैसे तो हम 4 बजे उठ गए थे लेकिन तैयार होने में टाइम लग गया क्योंकि 4 बंदे थे। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये अपना ऐसा कुछ रूम था और अपना बैग उठाते हैं और जल्दी से निकलते हैं। लो जी, 2 किलोमीटर के लगभग हम चल चुके हैं और अभी 6:20 हुई है। 5:30 हमने ट्रैक स्टार्ट किया था तो लगभग 50 मिनट हुई है और अभी हम खड्डरा पहुंच चुके हैं। यहाँ से मधमेश्वर महादेव की दूरी है 7.3 किलोमीटर और यहाँ पर आपको 2 घर दिख जाएंगे। ये देख सकते हो, यहाँ पर आपकी रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी। एक्चुअली हर 2-3 किलोमीटर पे, पहले 4 किलोमीटर पे आपको गोंडार मिलेगा, उसके बाद बंतोली मिलेगी, लोअर बंतोली, अपर बंतोली, इसके बाद ये भी खड्डरा है। तो 3-3, 4-4 किलोमीटर पर आपको रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ी सी रोशनी आने के बाद आपको चारों तरफ का व्यू दिखाएंगे। बाकी अभी चल रहे हैं। गोंडार से पहले आपको नेट देखने को मिलेगा, उसके बाद बीच में आपको कहीं पे भी नेट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आज हम अपर बंतोली से आगे क्रॉस किए, खड्डरा आते ही हमारी खुशी के ठिकाने नहीं रहे क्योंकि खड्डरा में आपको 5G नेटवर्क मिलेगा, जियो का। बोलते हैं एयरटेल का भी होता लेकिन हमारे पास जियो था तो जियो का मिल गया। सुबह की हल्की हल्की ठंड लग रही है और बात करें तो अभी भी मधमेश्वर जी 7 किलोमीटर रहते हैं यहाँ से और नानू रहता है 1.5। तो जो अपना अगला स्टॉप होगा, एक चाय का कह सकते हो या कुछ मिनट का रेस्ट का कह सकते हो, वो नानू में होगा। और पीछे यार कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, ऐसा कुछ रास्ता है और कैसे रास्ते कट रहे हो ये भाई बताएंगे। भाई जी, एक ये ट्रैक तो बहुत कठिन नहीं है मगर हम लोगों ने लगातार 1 महीने से ट्रैक कर रहे हैं, केदारनाथ, यमुनोत्री और भी छोटे मोटे ट्रैक किए हैं, तो इसलिए ये ट्रैक थोड़ा सा कठिन लग रहा है। वरना जय बोले करो, विकास के चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। मुस्कुरा कर आगे बढ़ोगे, मुश्किलें भी आप पर फिदा हो जाएंगी। भाई जी, ये सब कहने की बातें हैं, अगर आप ट्रैक करते तो परेशान हो जाओगे। भाई क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सही बात है, बहुत ज्यादा थक गए हैं, सांस मिल रही है, पानी अभी पिया नहीं है, विकास भाई ने कुछ खिलाया नहीं है, तो बस यही सब दिक्कतें हैं। ट्रैक बहुत ज्यादा स्लिपरी है, घोड़े खच्चर नहीं है, तो एक अच्छी चीज है। ज्यादा घोड़े बात है वैसे, भाई आपने जैसे बोला ना कि ट्रैक में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब आप उस मंजिल तक पहुंचते हो ना भाई, वो जो खुशी है वो अल्टीमेट है। उसके बाद में सारी वो मानता हूँ कि एक नंबर है, लेकिन जो लिखा हुआ है मुस्कुराते जाइए, नहीं मुस्कुराया जाता है यार, ये है कि मुस्कुराया नहीं मुस्कुराया जाता है। अभी जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ रहा है। क्या बोलोगे? हर हर महादेव। क्या बोलोगे? हर हर महादेव। हेलो, टाइम की बात करें तो 7:30 का हुआ है और अभी हम पहुंच चुके हैं नानू। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से मधमेश्वर जी मात्र 5.5 किलोमीटर रहते हैं और गोंडार नीचे है 4.7 किलोमीटर। और यहाँ पर ये एक ही घर, एक ही दुकान है जहाँ पर आपको रहने खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। तो एक बार आप लोगों को ऊपर आदि व्यू दिखाते हैं। रास्ता ये है यहाँ से जाने का और ऊपर यहाँ पर आपको चाय वाय मिल जाएगी। हाँ भाई, ऐसे चलते रहे और पानी जहाँ पे भी टाइम लगे ऐसे पानी भरते रहे, और ज्यादा भरने की जरूरत नहीं कि आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे मिल जाएगा। और ज्यादा भर लोगे तो उसका एक ये फायदा है, थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। अभी 7:30 पियोगे तो बहुत ठंडा है, तो भी प्यास लगी तो 7:30 पी लेते हैं, बाकी इसको भर के बैग में रख लेते हैं, आगे जाके ठीक हो जाएगा। लो जी, 15 मिनट का रेस्ट करके और एक चाय पी के नानू से हमने आगे की यात्रा फिर से शुरू कर दी है। यहाँ से रहता है मात्र 5.5 किलोमीटर, तो देखते कितना टाइम लगेगा। लेकिन गोंडार से आगे आपको मैक्सिमम चढ़ाई मिलेगी, हाइट मिलेगी। अभी भी देख सकते हो आप, थोड़ी सी हाइट पे चल रहे हम, बीच बीच में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी और बीच बीच में थोड़ी सी नॉर्मल आ जाएगी। बाकी आप मेरे पीछे वाले बंदे को देखो,
कैसे रुक रुक के जा रहा है। हाँ भाई, हाँ जी, क्या हो गया? कठिन चढ़ाई है। कठिन है ना? हाँ भाई, चश्मा लगा लो, कुछ भी लगा लो, कठिन तो है ही यार, सही बात है ना? बहुत कठिन है, मगर ऐसे ये लोग देखो गंगादी फैलाते हैं। अगर इन्होंने बिस्किट खाया और फेंक दिया, दिखाओ इनको। देखो लो जी, 9:20 हुई है और हम भी पहुंच चुके हैं मैखंबा। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, ये लोकेशन है मैखंबा। यहाँ से कुनचट्टी जो एक गांव और बीच में आएगा 1.3 किलोमीटर है, और फिर मधमेश्वर जी है 4 किलोमीटर, गोंडार यहाँ से 6.5 किलोमीटर है, अगतौली धार 10 किलोमीटर है, जहां से ये ट्रैक शुरू होता है, जो इसको बेस कैंप बोला जाता है। तो अभी लगभग ये मान के चलो 4 किलोमीटर है, तो 1.5-2 घंटा और लग जाएगा कम से कम, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, अभी धूप तेज आ गई थी तो आगे जंगल दिख रहा पूरा, तो वहां से धूप ज्यादा नहीं लगेगी, बिल्कुल आराम से चल पाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं। और जो मैखंबा में है, यहाँ पे वैसे तो 2-3 घर हैं, दुकानें हैं, लेकिन वो सभी बंद हैं। नीचे से ही बता दिया गया था कि ऊपर आपको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी आपको खाना पीना आप यहाँ से खा लेना। तो ऐसा कुछ चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। बाकी उस पहाड़ी पे देखो यार कितनी स्नो है। सुंदरता बढ़ा रही है और ये प्रकृति का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और चारों तरफ आपको घना जंगल देखने को मिलेगा। लो जी, 10:30 का टाइम हुआ है और अभी हम पहुंच चुके हैं कुनचट्टी। कुनचट्टी मधमेश्वर यहाँ से 2.5 किलोमीटर रहता है। तो जो पीछे आप दुकान देख रहे हो, शिखर प्रिंस होटल, ये कुनचट्टी में था, जो कि 2780 मीटर एल्टीट्यूड पे है, लेकिन ये भी बंद है। जैसे मैखंबा बनता है ऐसे ही ये बंद है। तो अभी आगे के लिए देख रहे हैं, शायद 2.5 किलोमीटर भी आगे कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मंदिर ही मिलेगा। तो एक बार पानी पीते थोड़ा सा और फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई पूरे ट्रैक में बिल्कुल मंदिर के पास आ चुके हैं, लगभग आधा किलोमीटर तो नहीं होगा, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। और यहाँ पे हमें स्नो देखने को मिली है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। और यहाँ से लगभग 300-400 मीटर चलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट टाइप से आ जाएगा। 12:10 हुई है और 12:30 पे अब से 20 मिनट बाद मंदिर बंद कर दिया जाएगा और शाम को 5 बजे खुलेगा। तो देखते हैं दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लो जी, जितनी ट्रैकिंग थी सारी ट्रैकिंग कर लिया है, अभी बिल्कुल मंदिर जस्ट हमारे सामने है और यहाँ पे बहुत सारे ढाबे रेस्टोरेंट टाइप से दिख रहे हैं। तो पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या है, मंदिर के दर्शन कराएंगे और ऊपर बूढ़ा मधमेश्वर मंदिर है वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे भी दर्शन कराएंगे, लेकिन पहले दर्शन करके खाना खाएंगे। जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे आपको मंदिर के दर्शन होंगे, पहले दर्शन केदारनाथ बाबा के, पहले दर्शन दर्शन कर लेते हैं जी एक बार, बंद होने वाला मंदिर। लो जी पहले दर्शन। जय शिव शंभो, जय हो मधमेश्वर बाबा की। लो जी अभी दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद जो सबसे पहली दुकान थी वहाँ पे पूछा कि सर खाना मिलेगा, वो कह रहे यहाँ रुकना है, मगर नहीं हम फिर जिस भाई बोले कि जो हमने किसने पूछा उन्हें कॉन्सर्ट दो, फिर उन्होंने कहा कि जाओ। फिर हमने दूसरे घर में पूछा तो वे बोले कि रुक जाओ पूछ के बता रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि आगे जाओ। तो इस घर का नाम बताया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यूनियन बना रखी है कि मतलब इनके घर पे रहना है या खाना कुछ ऐसा ही ना भाई, क्या एक बार थोड़ा सा बताओगे? ये जी मधुगंगा होटल, एक बार थोड़ा सा बताओगे मतलब कैसे यूनियन है रहने के लिए खाने के लिए किस तरह से कुछ थोड़ा सा व्यवस्था के लिए किया गया है। यहाँ पे 10-10 बराबर लोग के हर आदमी रखते हैं, 10 लोग हैं तो 10 आदमी 10-10 बराबर करके अलग रखेंगे। उसके बाद फिक्स रेट फिक्स होते हैं। ओके ठीक,
यहाँ पे पूरी व्यवस्था के लिए, क्योंकि कभी भी यात्री ज्यादा आ जाता है तो व्यवस्था नहीं हो पाती है। ओके, तो हम अपने किचन से लेके तक अपने बिस्तर तक सुला देते हैं। ओके, फिर भी यात्रियों को अंदर रखते हैं इसलिए। तो जैसे सबसे पहले आज आपका नंबर है खाने का, हाँ। तो जैसे आपके यहाँ पे खा लिया, तो अगर यात्री ज्यादा हो गए तो दूसरी जगह मिलेगा फिर? हाँ, फिर दूसरी जगह होगा। अरे 8-10 में रखूंगा, 8-10 अगला बंदा रखेगा। अच्छा, 8-10 अगला, हाँ, फिर ऐसे चलता रहेगा। ओके जी, धन्यवाद। खाने में क्या क्या? ये सामने मंदिर जी, मधमेश्वर जी का, और जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये वाला रास्ता, ये वाला, ये जाएगा बिल्कुल ऊपर वहां पे। तो हम सोच रहे हैं यहां से सीधा शॉर्टकट ऊपर तक जाते हैं, तो देखते हैं कैसा होता है, बाकी ऐसा कुछ भी हुआ ऊपर का। लो जी, 12:40 हुई है, और पीछे आप देख सकते हो मधमेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। 12:30 पर 12:30 मंदिर बंद हो जाता है, और शाम को 5 खुलता है, क्योंकि बीच टाइम में यहाँ पर भोग लगता है। तो हम बस 10 पहले आए हैं, लेकिन हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, बिल्कुल बिल्कुल पास से हुए और बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, क्योंकि मंदिर के अंदर जो दर्शन होते हैं वे भगवान के नाभि के और हृदय के दर्शन होते हैं। तो अगर हम आधा घंटा एक घंटा पहले आते तो जो नाभि होती है उसको थोड़ा सजाया हुआ होता है, उसके दर्शन होते। अभी बिल्कुल बिना किसी सजावट के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए भाई। और अभी हम जा रहे हैं बूढ़ा मधमेश्वर, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, और हम बिल्कुल शॉर्टकट ले रहे हैं, रास्ता वहाँ से है, और हम डायरेक्ट सीधे जाएंगे। तो चलो चलते हैं। बिल्कुल कड़ी चढ़ाई भाई, देख सकते हो आप पीछे, और पीछे मंदिर वहाँ पे है, वहाँ पे बिल्कुल ढलान है। चल रहे हैं, ऐसा कुछ रास्ता है। बारह बजकर 40 पे नीचे से चलना स्टार्ट किया था, 1:12 हुई है, 32 में ऊपर आ गया भाई। मेरे पीछे आप देख सकते हो, सामने बूढ़े मधमेश्वर जी का मंदिर है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, जो रास्ता बना और रास्ते से नहीं आया, जो सीधा पहाड़ था थोड़ा सा दिखा दिया, बाकी थोड़ा उतरते टाइम दिखा दूंगा, क्योंकि चढ़ते टाइम फिसलन थी। नीचे लोगों से पूछा था कि कितना टाइम लगेगा, वो बोले 40 से 1 है लोकल का, बाकी तुम्हें 1.5 के आसपास लग सकता, 1.5 से 2। मगर ठीक है भाई, कहीं नहीं रुके, बैग नीचे रख दिया था जहाँ पे खाने के लिए ऑर्डर किया था, एक पानी की बोतल लेके पहुँच गए हैं बूढ़े मधमेश्वर महादेव बाबा के दर्शन करने। ऊँची ऊँची वादियों में बोतल टूट गई भाई, देखो टूट गया, अब ऐसे हाथ में पकड़नी पड़ेगी। चलो आपको पहले बूढ़े मधमेश्वर बाबा के दर्शन कराते हैं, फिर चारों तरफ की वादियों के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे ऊपर कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, अकेला थरा भाई विकास है। यहाँ पे जो पानी ना अभी बिल्कुल कम है, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं अभी भी अगर फोटो अच्छा आया था। जो सामने की पीक है ना, जिन पे स्नो दिख रही है, उनका मिरर भी एक नंबर आता भाई, सब जबरदस्त। वो बाद की बात है, पहले हम बूढ़ा मधमेश्वर बाबा के दर्शन करते हैं। बिल्कुल पहुंच गए हैं पास में, ये जी बूढ़े बाबा मधमेश्वर। सामने बूढ़ा मधमेश्वर महादेव मंदिर है, उसके जस्ट बाद आपको इस तरफ पीक देखने को मिलोगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और इन पीक का मिरर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है इधर से। बोलो हर हर महादेव। लो भाई, दर्शन कर लिए है। दर्शन करने के बाद अब ये पानी देख रहे हैं, 2-3 जगह भरा हुआ ये पानी ऐसा, तो देख रहे हैं किस पानी से बेस्ट लोकेशन आएगी, क्योंकि मंदिर वहां पे है, उसके ऊपर जो पीक है ना उस पे स्नो ही स्नो है, तो यहाँ पे ना एक नंबर मिरर व्यू आएगा और उसका फोटो जबरदस्त आएगा भाई।
जो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, देसी यात्री विकास, तो वहाँ पे जरूर चेक करना। तब तक हम देख रहे हैं कौन सी लोकेशन से बेस्ट फोटो आएगा। एक बेस्ट लोकेशन यहाँ से भी लग रही है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा होता ना तो एक नंबर फोटो आता। फिर भी ट्राई कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं। बाकी के जो भाई थे वे भी आ गए हैं, तो वे भी दर्शन कर रहे हैं। मैंने दर्शन कर लिए बहुत देर से, तो मैं थोड़ा सा ना चारों तरफ का व्यू देख रहा था। यहाँ से मुझे जो व्यू दिख रहा है ना भाई साहब, वो जबरदस्त व्यू दिख रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो मधुगंगा नदी है वो दिख रही है, और वो जाते हुए दिख रही है, और बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं ना सारे पॉइंट दिख रहे हैं। शायद कैमरे में कैप्चर ना हो पाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। बूढ़े मत महेश्वर महादेव मंदिर से 360 डिग्री व्यू कुछ ऐसा है। और यहाँ के एलिवेशन की बात करें तो 3500 मीटर यहाँ का एलिवेशन है, हाइट है। तो हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो थोड़ी सी ट्रैकिंग करने में दिक्कत होगी, क्योंकि बीच में कई कई पॉइंट पे थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बाकी इतना टफ नहीं है। हाँ, केदारनाथ से ज़रूर मुश्किल है, और हाइट इतनी है 3500 मीटर, तो वो हाइट का इतना मैटर नहीं है, क्योंकि अगर 4000 मीटर से ऊपर चले जाओ तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। इतने पे आप एडजस्ट हो सकते हो। अभी हमें यहाँ थोड़ा सा पानी और पीछे स्नो देखने को मिली है, तो हम पानी से फिर ट्राई करते हैं कि हमें जो पीछे की पीक है वो वाली, उनके बढ़िया फोटो, मिरर फोटो देखने को मिले, तो एक बार फिर ट्राई करते हैं। कितना प्यारा जबरदस्त व्यू लग रहा है, देखो भाई, बिल्कुल पूरी स्नो पीक मिरर में दिख रही है। कितना खूबसूरत दृश्य है, पता भी नहीं चल रहा कि रील कौन सी है और मिरर कौन सी है। लो भाई, लगभग लगभग 35-40 मिनट यहाँ पे दर्शन कर लिए, फोटो वीडियो ले ली। अभी जल्दी से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो लास्ट के 4 किलोमीटर है वो पूरा जंगल का एरिया है, और चढ़ाई होगी उसमें, बाकी का तो डाउन 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 है, हो जाएगा, लेकिन उसके लास्ट के 4 किलोमीटर में दिक्कत होगी। और अभी थोड़ी सी वीडियो नीचे भी बनानी है, पंडित जी से बात करनी थी, क्योंकि दर्शन तो हमने कर लिए थे पहले ही, क्योंकि 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर शाम को 5 बजे खुलता है, और खाना भी खाना है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा यार। थोड़ी सी जल्दी करते हैं, भागते हैं। लो जी, 2:15 हुई है, और अभी हम वापस नीचे आ गए हैं मधमेश्वर जी में। अभी मधमेश्वर मंदिर की वीडियो थोड़ी सी बनाएंगे, उससे पहले यार खाना खा लेते हैं, क्योंकि मधमेश्वर और बूढ़े मधमेश्वर दोनों मंदिरों के दर्शन होंगे, बहुत अच्छे से दर्शन होंगे, और ऊपर जो व्यू था ना वो जबरदस्त था, एक नंबर। तो अभी ये पराठा मंगाया है, 60 रुपये का पराठा है, और 20 रुपये की चाय है। भाई खाने लग रहा है, ये अपनी दाढ़ी सेट करने लग रहा है, आगे की वीडियो की तैयारी कर रहा अपनी। लो जी, अभी मधमेश्वर मंदिर में दर्शन कर लिया, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है मधमेश्वर मंदिर, जो कि 3250 मीटर के अल्टीट्यूड पर है, और यह है पंच केदारों में से एक केदार है, जिसको द्वितीय केदार बोलते हैं। पहला केदार है केदारनाथ, और दूसरा केदार है मधमेश्वर, और यहाँ पे मधमेश्वर मतलब होता है मध्य हिस्सा, तो यहाँ पर भगवान का नाभि और हृदय, इन दोनों के दर्शन होते हैं। यहाँ पे मंदिर 12:30 बंद हो जाता है, और शाम को 5 बजे खुलता है, तो 12:30 से पहले आने की कोशिश करें। हम 12:20 पे आ गए थे, तो 10 मिनट दर्शन किए थे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। क्या होता है कि जो नाभि होती है उसका श्रृंगार किया होता है, लेकिन अभी 12:30 भोग लगना था, इसलिए वो थोड़ी देर पहले हटा दिया गया था, तो हमें बिल्कुल बिना श्रृंगार के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अभी दर्शन करके फिर हम ऊपर गए, और ऊपर हमने बूढ़ा मधमेश्वर के दर्शन किए, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक था, वो भी थोड़ा सा कठिन ट्रैक है, लेकिन वो भी कर लिया। तो अगर आप 12:30 के बाद आओगे तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे दर्शन होंगे। तो अभी दर्शन कर लिए हैं,
अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं। टाइम की बात करें तो 3 बजे का टाइम हुआ है, लगभग लगभग 5 घंटे कम से कम लगेंगे, 5 घंटे में नीचे उतर जाएंगे। उसके बाद बद्रीनाथ के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि कल बद्रीनाथ जगह कपाट बंद होंगे शाम को 3:30 बजे, तो रात को पहुँचने की कोशिश करेंगे। और आपको अगली वीडियो में मधमेश्वर से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएंगे, कपाट कैसे बंद होते हैं। तो अभी थोड़ा सा आपको रास्ता दिखा देते हैं। अच्छा, ये भी मिलाना जरूरी है, बहुत वैसा हो जाएगा। कितने का दे रहे? 30 रुपए का। एक और दे दो। तुम भी उसमें जा रहे थे? हाँ। तुम कल कहाँ गए? कल वहीं रुके फिर प्रिंस वाले में। एक आज मिनट हमारा बहुत पहले निकल गए ना वही। और मैं क्या कह रहा हूँ कि वो एक राशि पहुँच गया। हमने बोला ही नहीं कि हमने तो वहाँ, हम तो आपने चाबी दे दे तुमको। हाँ, अरे वो साथ वाला मेरा कब का, वो दोपहर में नहीं, 5-6 बजे कहीं उस टाइम निकल गया होगा वो तो। मधमेश्वर पैदल मार्ग, जी हाँ, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। ये ना जगह है अगतोली, और अभी हमने ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। कल शाम को स्टार्ट किया था और आज अभी रात के 9 बजे हैं और ये ट्रैक पूरा हो गया है। अभी यहाँ से आगे हम बाइक लेके जाएंगे रांची विलेज, वहाँ पर हमारा सामान रखा हुआ और खाना खाते हैं। लगभग 1 घंटे में सारा काम हो जाएगा। फिर यहाँ से हम निकलते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। 6 घंटे का रास्ता, तो 10 बजे चलेंगे, 4 बजे तक पहुँचेंगे। तो देखते हैं कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे। कल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं 3:33 पर, तो कल बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराते हैं। राम राम जी।